देश में नई शिक्षा नीति लागू होने से शिक्षा क्षेत्र में बड़े बदलाव आए हैं, जिसकी वजह से छात्र छात्राओं को पढ़ाई के साथ और कई तरह के एक्टिविटी में नए अवसर खुले हैं। साथ ही आज के युग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक बड़ी तेजी के साथ काम कर रही है, जिसके लिए स्कूलों में भी छात्र छात्राओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकी की पढ़ाई कराई जा रही है। शिक्षा के स्तर लगातार बदलता रहता है और बदलाव होने भी चाहिए, क्योंकि लगातार बदलाव होने से, क्योंकि जो रोज़गार के जो आने वाले जो भविष्य में जो अवसर होते हैं उसमें बदलाव देखने को मिलते हैं। इसी वजह से नींव अगर आपकी मजबूत होगी तो आगे जाके जो छात्र है वो आगे जाके अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। इसी विषय पर बात करने के लिए क्रिम्सन वर्ल्ड स्कूल के प्रिंसिपल रितु टंडन जी से बात करेंगे। पहले तो मैम सीनियर से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। आपका धन्यवाद ये मौका देने के लिए हमें। मैम, जब आपने पढ़ाई की थी और आज की जो पढ़ाई है, कितना डिफरेंस मतलब देखने को मिल रहा है? शायद अब 3-4 किताबों से हम लोग उस वक्त ज़माने में पढ़े थे और अब इतनी सारी किताबें होती हैं, तो क्या बदलाव है आज की देखा जाए तो? देखिए, आज का जो टाइम है, आजकल ऑप्शंस बहुत हैं। पहले एक लिमिटेड ऑप्शंस भी होते थे, तो एक बच्चों को स्टार्टिंग से रहता था कि हमें ये बनना है, तो वो उसी के तरफ कोशिश करते थे। आजकल ऑप्शंस इतने हैं, आजकल हर चीज़ में जैसे बच्चों को वैरायटी चाहिए, तो एजुकेशन में भी वैरायटी चाहिए। सब्जेक्ट्स, कुछ भी चीज़, कुछ भी कोर्स से वो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, तो ऐसे ही एजुकेशन सिस्टम भी आजकल चेंज हो रहा है। बच्चों के चेंजिंग नीड्स को देखते हुए उसके हिसाब से अडाप्ट किया जा रहा है। और क्योंकि आजकल सिर्फ पढ़ाई जैसे हमारे टाइम में था, प्रैक्टिकल उसका यूसेज जो है वो कम हुआ करता था। आजकल जो है स्कूल्स कोशिश कर रहे हैं कि बुकिश नॉलेज के साथ साथ उन्हें उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी बताया जाए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल, क्योंकि कोविड के बाद पूरे सिनेरियो चेंज हुआ है। तो हम देखते हैं कैसे कि अब हम आपके स्कूल की बात करें, तो जैसे कि अब पहले नर्सरी से बच्चे जाते थे, अब उससे पहले भी अब एडमिशन होते हैं, तो वो किस तरह से शुरुआत करते हैं बच्चों की? जो देखिए प्री नर्सरी जो है किंडरगार्टन में, उसमें बच्चे को उनके ओरल स्किल्स पे हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है जिससे उनका जो एक इनहिबिशन होता है, एक फियर होता है स्टेज का या सामने आके बोलने का, वो हटता है। क्योंकि बहुत सारी हर डे सेलिब्रेट करते हैं हम, एक्टिविटीज़ बहुत सारी होती हैं, तो बच्चे को एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है और ऐसी एक्सप्रेशन से उनकी और बाकी जो लेटेंट टैलेंट है, चाहे वो सिंगिंग हो, ड्राइंग हो, पेंटिंग हो, एक्टिंग हो, वो निकल कर आती है। तो धीरे धीरे बच्चे जैसे आगे की क्लासेस में जाते हैं वो एक ऑलराउंडर टाइप के डेवलप हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ इतनी मिलती हैं। सही बात है, क्योंकि हम लोग पहले देश हमारा ग्रामीण प्रवेश से है, हम शहरों में बेशक रहते हैं पर हम बहुत सारी चीज़ें नहीं देख पाते। हम देखते हैं कि छोटी क्लासों में बहुत सारी ऐसी या तो पेंटिंग के माध्यम से या खिलौनों के माध्यम से दिखाते हैं कि ये एनिमल ऐसा हो सकता है, ये इंसान ऐसा हो सकता है, तो ये कितना जी और कंप्यूटर्स है, और इसमें इतना एक्सपोजर बच्चे को मिल रहा है कि उनकी भी बहुत सारी टैलेंट बाहर निकल कर आती है। अगर आप पहले से कंपेयर करें तो बहुत से लोग आज भी ऐसे होंगे जो स्टेज में जाकर परफॉर्मेंस करने का उन्हें एक इनहिबिशन, एक डर रहता है। लेकिन आप हमारे स्कूल में देखेंगे छोटे छोटे बच्चे नर्सरी केजी के भी, वो बिल्कुल स्टेज में कॉन्फिडेंटली परफॉर्म करते हैं, बोलते हैं, तो ये बहुत फ़र्क आया है। आज जितना एक्सपोजर उनको मिल रहा है तो ये कॉन्फिडेंस लेवल बच्चों का बढ़ता है, और ये ऑब्वियसली लेटर ऑन जाके इंटरव्यूज़ क्लियर करना है, GDs है, उन सब में ऑब्वियसली इनको हेल्प करता है। सही बात कही आपने। जैसे देखते हैं कि आज के समय में कि लैंग्वेज का बहुत सारी जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, फ्रेंच, क्या कि इंटरनेशनल लैंग्वेज भी कोई आप लोग यहाँ पर बच्चों को प्रोवाइड कर? इंग्लिश भी है और संस्कृत भी है, स्पैनिश का भी एक्सपोजर बच्चों को मिल रहा है, क्योंकि जैसे आजकल पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चों को कोई ना कोई एक फॉरेन लैंग्वेज का एक्सपोजर मिले, ताकि जब वो अब्रॉड स्टडीज़ के लिए जाएं तो उन्हें हेल्पफुल हो। तो हमारे यहाँ स्पैनिश है सीनियर क्लासेस में ग्रेड 6 ऑनवर्ड्स, और संस्कृत का भी ऑप्शन है। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे या फिर जो टैबलेट्स होती हैं उन पे कराई जाती है, तो क्या ऐसे आज ऐसी शिक्षा आप लोग प्रोवाइड करा रहे हैं क्या? जी हाँ, AI भी है हमारे पास, और कंप्यूटर फंडामेंटल्स, कंप्यूटर साइंस तो है ही, आजकल हमारा बहुत वेल डेवलप्ड लैब है, अब और उसे डेवलप किया जा रहा है। तो लेटेस्ट जो भी फैसिलिटीज़ हैं, बी इट इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स, we have all the latest sports and academies coming up, and in fact we are proud enough to say that we are the first ones in Agra to be coming up with badminton academy. We already have with
गुरुकुल दिस थिंग विद गोपीचंद पुलेला एकेडमी एंड एट द मोमेंट कमिंग अप नेक्स्ट इज़ आर क्रिकेट एकेडमी विच इज़ रोहित शर्मा क्रिकेट एकेडमी एंड वी आर प्राउड इनफ टू से दैट वी आर द फर्स्ट वंस इन आगरा टू बी कमिंग अप विद सच अ स्पोर्ट्स फैसिलिटी। सही बात है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी होनी भी चाहिए क्योंकि जिस तरह की जो मेंटली प्रेशर या फिर जो चीज़ें बच्चों में रहती हैं तो कहीं ना कहीं सब चीज़ों से बाहर निकलते हैं। ऐसे अभी आपने AI की बात की तो AI की अभी बहुत डिमांड है, मतलब हर क्षेत्र में, चाहे एजुकेशन की बात करें, मेडिकल की बात करें, इंडस्ट्रीज़ की बात करें, तो AI मतलब किस तरह लोग अभी जो देख रहे हैं बच्चों को, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा है उसका, तो किस तरीके से बच्चे आपके देखते हैं? कोडिंग हो गई और AI में हम पूरा बच्चों को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं ताकि आगे जाके वो अगर इसमें करियर अपना बनाना चाहें या सब्जेक्ट लेना चाहें सीनियर क्लासेस में तो वो भी उनको अवेलेबल है यहाँ पर। अच्छा, क्या मतलब और कुछ क्या अलग कुछ चीज़ें जैसे शिक्षा के लिए बच्चों को क्या टिप्स देंगे कि जाके वो पढ़ाई के साथ साथ और भी एक्टिविटी में अव्वल रहें, क्योंकि कहते हैं ना कि जो बच्चे हर जैसे कहीं स्पोर्ट्स में, सिंगिंग में, पढ़ाई में रहते हैं वो हर क्षेत्र में अपना नाम रोशन करते हैं और वो एक अच्छी ज़िंदगी जीते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए क्या मैसेज आप करें? देखिए, वी कैन नॉट डाउट द फैक्ट दैट एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, स्टडीज़ आर इम्पॉर्टेंट, बट अलॉन्ग विद दैट इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू टेक पार्ट इन वट एवर इज़ देयर इंटरेस्ट। अगर जिसको जो इंटरेस्ट है तो उसको डेफिनेटली वो परस्यू करना चाहिए, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे डांसिंग हो, चाहे कंप्यूटर्स में हो, स्पोर्ट्स में हो, क्योंकि देयर ऑप्शंस टुडे आर अनलिमिटेड, अनलिमिटेड ऑप्शन है। आप हर फील्ड में करियर बना सकते हैं, आप आर्ट्स में करियर बना सकते हैं, आप स्पोर्ट्स में करियर बना सकते हैं। तो बच्चे को पूरा फुल स्कोप देना चाहिए कि वो अपने टैलेंट को फाइंड कर सके, उसे डिस्कवर कर सके, और यही मेन पर्पस स्कूल्स का होना चाहिए। सही कह रहे तू जी ने, क्योंकि लगातार बच्चों को कभी बांधना नहीं चाहिए, उनको ओपन करना चाहिए ताकि वो हर क्षेत्र में जाके हर चीज़ की पढ़ाई कर पाएँ, चाहे AI की बात हो, चाहे स्पोर्ट्स की बात हो, या सिंगिंग की पढ़ाई हो, चाहे जनरल जो आपकी जो पढ़ाई है उसकी, हर तरीके से अगर वो देखेंगे तो एक अच्छी भविष्य अपना एक किसी एक विषय में जाके तलाश सकते हैं ताकि उनका भविष्य और आगे आसान हो सके। अपने साथी मनोज के साथ लक्ष्मीराज सिंह, सी न्यूज़।